वेल तो दोस्तों, आज बिग बॉस 14 का वीकेंड का वार था, और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही जानकारी दी थी कि सलमान खान नहीं आने वाले थे, क्योंकि सलमान खान ने इस हफ्ते के लिए कोई शूटिंग ही नहीं किया है। और क्यों नहीं किया है ये जानने के लिए आप हमारे पहले पहले वीडियो देख सकते हैं। लेकिन बात करेंगे आज के वीकेंड का वार की, और आप लोगों को बता दूँ कि आज मीडिया इंटरेक्शन थे, मीडिया घर में आए हुए थे, और बिग बॉस विद वीकेंड का वार विद प्रेस जो है इसका टाइटल दिया गया था। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मीडिया ने सवाल किए उसके बारे में तो हम बाद में चर्चा करेंगे ही, लेकिन आप लोगों को बता दूँ कि सबसे पहले जो सभी वाले हैं उनको एक टास्क दिया गया था, और उनको कहा गया है कि आप लोगों को जो है आपसी सहमति या फिर जो है बहुमत से ये डिसीजन लेना है कि आप सभी में से कौन कितना ज़्यादा जो है बाहर कहीं ना कहीं अपने आप में न्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि इन द सेंस कि कौन ज़्यादा जो है दिखाई दे रहे चर्चे में है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर जो है डिसीजन नहीं हो पाया, क्योंकि बिग बॉस ने उसके लिए एक सीमित समय दिया था जिसमें वो लोग सिर्फ 3 ही लोगों का वहाँ पर डिसाइड कर पाए, जिसमें पहले नंबर पर वो लोगों ने जो है वहाँ पर दिया राहुल बेदू को, दूसरे नंबर पर वहाँ पर थी रुबीना के बदले वहाँ पर जो है अली गोनी को रखा गया था, वहीं तीसरे नंबर पर रुबीना थी। लेकिन उसके बाद शुरू हुआ वहाँ पर मीडिया इंटरेक्शन, जो कि बेहद ही लाजवाब था। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मीडिया इंटरेक्शन जब भी होता है तब वहाँ पर जो है बिग बॉस के द्वारा कुछ ना कुछ हर एक पत्रकार को, जितने भी वहाँ पर आते हैं उनको जो है स्क्रिप्ट दिया जाता है, उनके हिसाब से जो है सवाल करने होते हैं, और साथ ही साथ कुछ सवाल मीडिया अपने मन से भी करती है। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर आज सलमान खान नहीं आए थे उसके बड़ा वजह था, और वही चीज़ हमें देखने को भी मिला वहाँ पर। और जिस तरीके की मीडिया के सवाल थे वो सारे सवाल तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगा, लेकिन जो उसमें से कुछ हाईलाइटेड सवाल थे वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इस वीडियो में बताऊँगा। तो वहाँ पर मीडिया ने एक सवाल किया था राहुल वैद्य के साथ कि आप जो है रुबीना दिले के साथ लड़ते हो इसीलिए दिखते हो, यानी कि उनका जो कहना था कि आप सिर्फ बिना दिले के साथ लड़ते ही जब हो तभी जो है टीवी पर नजर आते हो। लेकिन यहाँ पर यह सवाल राहुल वैद्य के साथ ही क्यों पूछा गया, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यही चीज रुबीना दिले के साथ भी लागू होता है कि जब राहुल वैद्य के साथ वो लड़ती है तभी जो है नजर आती है। अगर हम बात करें रुबीना दिले की, तो ना ही तो उनका कोई टास्क में परफॉर्मेंस होता है, ना ही तो घर में इंटरटेनमेंट देती है, ना ही तो उनका घर में इन्वॉल्वमेंट होता है। वहीं अगर हम बात करें राहुल वैद्य की, तो टास्क में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो कई दफा टास्क जीते भी है, इंटरटेनमेंट के मामले में भी वो थोड़ा बहुत फनी सीन्स करते रहते हैं, जिसके कारण से अपना इंट्रोडक्शन जो है जनता की ओर बनाए रखते हैं। लेकिन ये सवाल सिर्फ और सिर्फ जो है वहाँ पर राहुल वैद्य से किया गया था, क्योंकि ये बिग बॉस ने कहा था। वहीं अगर हम बात करें इसके अलावा दूसरा सवाल, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर सवाल वहाँ पर पूछा गया, और राहुल वैद्य को ये कहा गया कि आप जो है अपने आगे किसी स्ट्रांग वूमेन को जो है खड़ा होते हुए नहीं देख सकते, आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन ये सवाल ही अपने आप में गलत है, जिसके बारे में सलमान खान भी बोल चुके हैं, क्योंकि ये बिग बॉस जो है यहाँ पर कोई दंगल नहीं होता है, यहाँ पर कुश्ती नहीं होता है, यहाँ पर कोई महिला और पुरुष नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ माइंड गेम चलता है। और जो यहाँ पर ये मर्द औरत वाली बात लेकर आई गई है, तो आप लोगों को याद हो तो रुबीना दिलेक ने राहुल वैद्य को ये कहा था कि अरे तुम मर्द हो तो मर्द की तरह खेलो, और इतना ही नहीं अबे साले तुम मर्द हो तो मर्द की तरह खेलो, ये कहते हुए रुबीना दिलेक ने वहाँ पर जो है इस शब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आई थी। और आज वही जो है मर्द और औरत की जो यहाँ पर बात उठा कर लाई, पहले तो पत्रकार ने उठाया इस मुद्दे को, उसके बाद रुबीना दिलेक ने भी उसको बात को उठाया, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में समझ से परे है कि जिसको सलमान खान कह चुके हैं, और ये पूरा विश्व जानता है कि बिग बॉस के घर में जो है कोई मर्द और औरत होती नहीं है, और पता नहीं कि वुमेन कार्ड खेल के यहाँ पर क्या रुबीना दिलेक जीतने की कोशिश कर रही है। वहीं अगर हम बात करें इसके अलावा, तो जिस तरीके से अगर हम बात करें जब राहुल वैद्य की वहाँ पर इंट्रोडक्शन कराई गई, तो पत्रकार ने जिस तरीके से हंसी मजाक में उड़ा दिया उस बात को, उसी से लग रहा था कि वहाँ पर किस तरीके के माहौल और किस तरीके के पत्रकार को बुलाए गए हैं। अगर आप वहाँ पर मौजूद पत्रकारों की जो उनका यूट्यूब चैनल है या फिर जो उनका सोशल मीडिया है तो अगर खोलेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर पता चल जाएगा कि किस तरीके के पत्रकार को जो है वहाँ पर बुला करके लाया गया था। वहीं अगर हम बात करें तो उसके अलावा जो कुछ सवाल किए गए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल थे, और आप लोगों को बता दूं कि वहाँ पर एक एक करके सभी घर वालों को जो है वहाँ पर बुलाया गया, कुछ को पेयर में, कुछ को सिंगल में, और सभी से जो है सवाल किए गए, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और वहाँ पर निक्की तंबोली से एक इंटरेस्टिंग सवाल किया गया कि जब आपको सबसे छोटी उम्र की लोग बोलते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको लाइसेंस है कि आप किसी को बेइज्जती कर दें, वहाँ पर जो है पत्रकार के साथ भी वहाँ पर डिसरिस्पेक्ट करते हुए नजर आई और उठ करके खड़े हो गए, जिस पर पत्रकार ने भी कहा, लेकिन निक्की तंबोली वहाँ पर भी अड़ गई। वहीं रुबीना दिलेक से भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल किया गया था। आप सभी को बता दूँ कि जब निक्की बोली शुरुआत में आपके खिलाफ बोलती थी तब आपको ये समझ में नहीं आता था कि 23 साल की छोटी बच्ची है, लेकिन जब अब आपके साथ
खेल रही है और दूसरे को जो है गाली दे रही है, बेइज्जती कर रही है, तब आप कहती है कि छोटी बच्ची है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ सवाल थे जो कि बहुत ही शानदार तरीके से पूछा गया, जिस पर वहाँ पर रुबीना अदिलेख ने घुमा फिरा कर जवाब दिया कि मैं तभी यही समझती थी, अभी यही समझ रहा हूँ। वही अगर हम बात करें उसके खिलाफ, तो वहाँ पर एजाज खान से भी सवाल किया गया। और आप सभी को बता दूँ कि एजाज खान जो है वीडियो कॉल के मार्फत से वहाँ जुड़े हुए थे, जहाँ पर एजाज खान पर यह आरोप लगाया गया कि आप जो है समय के हिसाब से अपने आप को बदलते हैं, अपनी दोस्ती को बदलते हैं, जहाँ पर एजाज खान ने इस बात से मना कर दिया। वहीं एजाज खान की जो है पत्रकार के साथ भी वहां पर तू-तू मैं-मैं हो गई, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर एजाज खान के साथ पत्रकार ने पेश आए और एक के बाद एक सभी ने जिस तरीके से हमला कर दिया, उसके बाद एजाज खान भी वहां पर जो है काफी ज्यादा डिस्टर्ब हमें नजर आए। वहीं उसके बाद एजाज खान के साथ हमें पवित्रा पुनिया भी नजर आई। वहीं अगर हम उसके अलावा बात करें, तो वहाँ पर देवोलीना भट्टाचार्य जी की जिस तरीके से वहाँ पर मीडिया के द्वारा अपमान किया गया, बेइज्जती किया गया, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। जिस तरीके से वहाँ पर रुबीना अदिलेख, अभिनव शुक्ला के अलावा जिस तरीके से सभी का मजाक उड़ाया गया मीडिया के द्वारा, वो बात बिल्कुल स्पष्ट करता है कि सलमान खान ने क्यों इस हफ्ते के लिए वीकेंड का वार का शूटिंग नहीं किया। और सबसे बड़ा मजाक तो तब बन गया मीडिया का जब एक मीडिया ने ये सवाल कर दिया कि जब राहुल बेदे से बात कर रही थी रुबीना अदिलेख, अगर आप लोगों को याद होगा उस टास्क में, तो उनका बैलेंस चल गया, इसके लिए जो है वहां पर रुबीना दिलेख से धक्का लग गया। और ये कहीं ना कहीं अपने आप में सबसे बड़ा मजाक था, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर दोनों सामने बात कर रही थी खड़े होकर के, वहां पर किसी का बैलेंस चला जाए ये कहना ही अपने आप में एक बेहद ही मजाक होगा। और एक पत्रकार ने अली गोनी पर ये बहुत ही कहीं ना कहीं अपने आप में अनोखा आरोप लगाया कि आप जो है पीठ पीछे रुबीना दिलेख की बुराई करते हो, जब अली गोनी ने कहा कि मैं नहीं करता, आप मुझे कोई एक ऐसा बता दो, तो वहाँ पर मीडिया के पास कुछ था नहीं, तब वहाँ पर उन्होंने एक ये बात कह दी कि आप कढ़ाई जैसी मुँह है, ये बोली थे, जहाँ पर उस पर जो है वहीं तुरंत अली गोनी ने इस पर जो है क्लियरिटी दे दी। उसके अलावा अगर हम बात करें, तो मीडिया पर वहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह नज़र आ रहा था कि बिग बॉस ने जो स्क्रिप्ट दिया था उसी तरीके के सवाल पूछे गए, क्योंकि जो जेन्युइन सवाल थे जो कि रुबीना से पूछने चाहिए थे, अभिनव से पूछने चाहिए थे, वो सवाल पूछा ही नहीं गया। और जिस तरीके से वहाँ पर रुबीना अभिनव को बचा करके बाकी घर वालों को जो है टारगेट करके, खास करके राहुल वैद्य और अली गोनी वहाँ पर नजर आए, जिस तरीके से वहाँ पर टारगेट किया गया, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिस तरीके से खबर पहले ही सही आ रही थी। लेकिन जो जेन्युइन सवाल थे जो कि पूछना चाहिए था आज रुबीना दिलेख और अभिनव शुक्ला से, जो कि नहीं पूछा गया, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो सवाल क्या था, और आप लोग भी शायद इसे बहुत हद तक जो है यहाँ पर सहमत होंगे। सवाल ये होना चाहिए थे रुबीना और अभिनव से, क्या आप दोनों ने अपने फायदा के लिए अपने पर्सनल रिलेशनशिप और तलाक की बात जो है यहाँ पर बीच शो में लेकर आए? क्योंकि ना ही तो उससे पहले और ना ही तो उसके बाद इस तरह की कोई भी बात उन दोनों के बीच में हुई। वहीं सवाल ये होने चाहिए थे अभिनव शुक्ला के साथ कि क्या आप अभी तक रुबीना दिल्ली के पीछे पीछे इस शो में यहाँ तक पहुँचे, जो कि ये सवाल नहीं पूछा गया। सवाल ये होने चाहिए वहाँ पर, रुबीना ने अभी तक बिग बॉस 14 के घर में क्या किया है सिवाय राहुल वैद्य से लड़ने के? ये सवाल होना चाहिए था। सवाल ये होना चाहिए था कि निक्की फिलिप जब मारे, तब आप कहते हो कि वाह वाह बहुत अच्छे, सलमान खान भी यही देखना चाहते कि तुम इंटरटेन करो, और जब वही राखी मारे तो आप ये कहते नजर आ रहे राखी तुम तो बहुत ही गलत दिख रहे हो, बहुत बुरे दिखोगे, तो क्या ये डबल नेचर है रुबीना दिल्ली के? ये सवाल पूछने चाहिए थे जो कि नहीं पूछा गया। क्यों? क्योंकि ये स्क्रिप्ट में नहीं दिया गया था। तो जिस तरीके से वहाँ पर पूरी मीडिया की तरफ से बौछार किया गया राहुल वैद्य, अली गोनी और उन तमाम लोगों पर जो कि वहां पर रुबीना दिलेख और अभिनव शुक्ला के खिलाफ है, और खास करके जिस तरीके से वहां पर डिसरिस्पेक्ट मीडिया के द्वारा और जो संचालक के रूप में वहां पर थी काम्या पंजाबी, उनके द्वारा किया गया देवोलीना भट्टाचार्य जी के साथ, वो कहीं ना कहीं अपने आप में निंदनीय है। जिस तरीके से वहाँ पर राहुल वैद्य का अनाउंसमेंट हुआ कि वो आ रहे हैं, उस पर जिस तरीके से मीडिया ने हंसा, वो निंदनीय है। और कहीं ना कहीं ये पूरा एपिसोड ही बनाया गया था ताकि राहुल वैद्य को टारगेट किया जा सके। और इतना ही में बिग बॉस का मन नहीं भरा, तो आप सभी को बता दूँ कि कल सिद्धार्थ शुक्ला को बुलाया गया है, जो कि बिल्कुल बाहर में सोशल मीडिया पर सपोर्ट करते हैं वहाँ पर अभिनव शुक्ला को, रुबीना दिलेख को, निकी तंबोली को, और जो है कल राहुल वैद्य के साथ उनका भी वहाँ पर भिड़ंत होगा, जिसमें जो सिद्धार्थ शुक्ला है और राहुल वैद्य को टारगेट करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस का फुल एंड फाइनल प्लान है कि राहुल वैद्य रुबीना दिलेख को बहुत ज़्यादा टक्कर दे रहा है। अगर हम ऐसी स्थिति में फाइनाले में जो रुबीना दिलेख है उसको ट्रॉफी देते हैं, तो मुश्किलें पैदा हो जाएगी, सवाल उठेंगे। इससे पहले राहुल वैद्य को शो में इतना ज़्यादा दबा दो कि ताकि उसका हौसला टूट जाए और गेम खेल ही ना पाए, और वो यही चीज़ हो रहा है जो कि हमें आगे भी देखने को मिलेगा। तो इस पूरे मसले पर आप लोगों का क्या है कहना हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।